कर लेना। देखो बड़ा है, बहुत बड़ा है। हेलो संपत्ति गाइड हमने लगातार ये 4 दिनों से धरना देके बैठे यहाँ पर। हमारे 4 साथी जो यहाँ पर हम भूख हड़ताल नहीं कहेंगे पर उपवास रख के बैठे मेरे साथी, उनकी आस्था और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं का होश के साथ में हमने ये धरना दिया। और आज यहाँ पर प्रतिपक्षी नेता और सत्तापक्षी नेता भी पधारे और UIT चेयरमैन साहब के हमारी बात हुई, उन्होंने हमारा आश्वस्त किया, हमारी ज़मीन की अलॉटमेंट के बारे में बताया और ज़मीन अलॉटमेंट भी के लिए जो ज़मीन चिन्हित की गई है वो ज़मीन हमारे को दिखाई गई और हम उससे आश्वस्त है कि हमारी वो ज़मीन बिल्कुल सही लगी और हमारे ट्रांसफर को मिलेगी ज़मीन। और ये हमारे एसोसिएशन, 2 एसोसिएशन जिसमें मोटर मैकेनिक एसोसिएशन एंड मोटर मैचर्ड की एसोसिएशन, दोनों ने साथ में सपोर्ट रखे और बहुत अच्छे तरीके शांतिपूर्ण हमने यहाँ पर धरना दिया। इसका लाभ हमारे को मिलते हुए यहाँ पे हमारे UIT चेयरमैन साहब ने ये ज़मीन देने का घोषणा की, जो हमको वो पूरी सारी बातें उनकी पसंद आई है और कहते हैं हमारे को ये पूरा ज़मीन अलॉटमेंट की जाए। ज़मीन बताइए कि हम ज़मीन हमारे को ज़मीन दिखाई गई हमारे को, जो जालीपा तालाब के पास में गवर्नमेंट की ज़मीन है, 108 बीघा एक है और 200 बीघा एक है, उन दोनों में से एक ज़मीन वो हमारे को चिन्हित करने को बोला, आपको जो लगे वो दे देना। और हमारे टीम के सदस्यों जो इतने हमारे मैकेनिक और मोटर पार्ट के जितने सदस्य उनकी लिस्ट मांगी हमारे से, आप हमने लिस्ट दे देना और वो ज़मीन के बारे में हमारे को आश्वस्त किया है। हमारे को ये मौखिक में दिया गया है, बाकायदा हमारे को रिकॉर्डिंग दी गई है, जहाँ तक हमने ये पूरी बात की है हमारे को पूरी रिकॉर्ड बोला कि आप रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करते ये बात करो हमारे, इसमें हमारे पास रिकॉर्ड आई है, पूरी रिकॉर्ड दी हुई है और रिकॉर्ड है हमारे पास में। और इससे पहले मेवारम जी भी हमारा इस बात बता रहे थे, उन्होंने बोला कि जो प्रियंका जी बोला वो आपका करेंगे काम, नहीं करे तो उसके बाद मैं भी करूँगा कोशिश, आके असेंबली में भी बात उठाऊँगा और आपका काम करा दूँगा। कल जैसे 26 जनवरी भी है तो आप देश के हित में और देश के साथ में होते हुए अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से उठाए, तो हमने वो मांगे मानी है। हम ये चाहते हैं शांतिपूर्ण हमने ये काम किया और शांतिपूर्ण अपने देश के साथ में और पूरी व्यवस्था रखते हुए हम ये काम करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं है कि हम प्रशासन के या किसी के खिलाफ जाके ये काम कर, नहीं, प्रशासन अपना है, शहर भी अपना है, सब पूरी व्यवस्था देखते हुए पूरी व्यवस्था संभालते हुए अपने को ये काम करना है, इसलिए हमने ये धरने को स्थगित किया है। धन्यवाद।